मैं हरियाणा रेवाड़ी से आया हूँ, पैरामिलिट्री CRPF का मैं सदस्य हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वो रोज़ देश में आर्मी के और पैरामिलिट्री के शहीदों को देखना, शहीदों के बारे में उनको जानकारी मिलती रहती है, तो जानकारी मिलती है तो माननीय प्रधानमंत्री से यही है कि वो शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे रहे पैरामिलिट्री को, और उनकी ये अगर वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, उनसे अधिक ड्यूटी कर रहे हैं, फिर ये कारण क्या है? बस यही कारण है कि मैं उसको यही जानना चाहता हूँ कि हर साल कितने पैरामिलिट्री के शहीद होते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, नहीं तो अंजाम अभी पहले भी उन्होंने सरकार जो भी है जहाँ पर भी थी उसको अगला समय आएगा इलेक्शन का तो फिर उसको मोदी जी को पता लग जाएगा, जवाब तो देंगे, ये जवाब तो मोदी जी को देना होगा, मन की बात नहीं यहाँ जवाब देने की बात है। कब तक छुपते रहेंगे, कब तक मोनी बाबा बनते रहेंगे, दूसरों को मोनी बाबा बोलते हैं वो तो खुद मोनी बाबा शादी मोनी बाबा हो गए। सर एक बात बताइए, जैसे कि कोई मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक कर तो मीडिया इतना बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन यहाँ पेंशन वालों की मीडिया क्यों निकलते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक एक अलग चीज़ है और सर्जिकल स्ट्राइक वो अपनी एक फौज का एक इंडियन आर्मी की तरफ से था, न कि मोदी की तरफ से, उन्होंने लड़ाई लड़ी है न कि मोदी ने, और पैरामिलिट्री के जो सदस्य हैं वो तो नरेंद्र मोदी की लड़ाई लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ जितने भी भारत में और भी बहुत से स्टेट हैं उनके अंदर वो हर रोज शहीद हो रहे हैं, क्या उसके पास में उनकी जानकारी नहीं है? मेरा मानना है कि उनके पास जरूर जानकारी होगी इस चीज़ की, तो फिर वो मौन क्यों है, क्यों नहीं शहीद का दर्जा दे रहे, क्यों नहीं वो रंगमंच पेंशन दे रहे? बस यही बातें हैं, ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और नहीं तो उसका नतीजा मिलेगा अगले चुनाव में मिलेगा, मोदी जी की ये भूल है, मन की बात से काम नहीं चलेगा, ठीक है जी, उनको जवाब तो देना पड़ेगा।